एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेश नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर बार की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, क्या कुछ होगा आपके साथ खास। आज है दिन 18 दिसंबर बुधवार, इसका राशिफल आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। पौष माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात को 11:33 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वहीं राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो आज दोपहर 12:17 से 1:34 तक राहु काल चलेगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है, तो आपको आज इन तीनों चीजों का ही बेहद जो है खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अब बारी है राशिफल की, और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। हेल्थ की बात करें, सेहत अच्छी रहेगी, सभी काम बहुत आसानी तरीके से आप कर लेंगे, दिमाग भी आपका काफी अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा। पैसों की बात करें तो आज कहीं से रुका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है, यह धन आपकी बहुत सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर देगा। अब बारी है फैमिली लाइफ की, खुशियां व्याप्त रहेंगी फैमिली में, रिश्तेदारों के द्वारा अच्छे व्यवहार की आपकी तारीफ हो सकती है, माता और पिता को जो है बहुत खुशी होगी आपके इस व्यवहार से। आज दिन की शुरुआत आप घर के किसी छोटे सदस्य के साथ हंसी मजाक करके कर सकते हैं। प्रेम फल की बात की जाए प्रेम जीवन की, तो प्रियतम के साथ सुकून भरे पलों का आनंद लेंगे, आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहतरीन है। बात की जाए कार्य क्षेत्र की तो आज इसमें आपको सफल परिणाम मिलेंगे, बॉस और आपके सीनियर आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं, कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं जो हैं वो कारगर साबित हो सकती हैं। हालांकि कार्य को जल्दी समाप्त करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, हर काम थोड़ा धैर्य रखकर करें। कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज दिन बढ़िया संकेत दे रहा है, आज दिन अच्छा है, आप चाहे तो कहीं आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दिन सुकून भरा रहेगा, प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सजग रहने की जरूरत है, हो सकता है कि आप पढ़ाई में आपके ढीलापन की वजह से आप माता पिता के गुस्से का शिकार बन जाए, इसीलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। अब बात करें अगर गृहिणियों की यानी हाउसवाइफ की, तो आज हो सकता है कि ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी नोकझोंक हो जाए, इसीलिए अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें और बोलने से पहले थोड़ा सोचें। ओवरऑल दिन ऊपर नीचे होते रहेगा, आप अपनी बुद्धि से अपने विवेक से इसको बेहतरीन बना सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो आज के दिन गेहूं और गुड़ गाय को खिला दें, शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। सेहत की बात करें तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, आज आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, साथ ही आप ऊर्जावान भी रहेंगे, इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। विदेशी स्रोत से धन आने की संभावना है, धन का सही उपयोग करें और खासकर अनावश्यक चीजों में पैसा खर्च ना करें। फैमिली लाइफ में आज सफलता मिलेगी, आप अपने बड़ों से सलाह लेंगे और अपने छोटे सदस्यों को सलाह देंगे। अगर आपको महसूस होता है कि घर का कोई सदस्य मानसिक तौर पर जो है परेशान है, तो उससे खुलकर बातें करें। प्रेम जीवन में आज आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, ऐसा मुमकिन है कि आप कोई और आपके जो प्यार के बीच में कोई तीसरा आ जाए, ऐसे मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाकर ही कदम बढ़ाएं। व्यापार से जुड़े जातकों को आज मुनाफा हो सकता है, आज की गई बिजनेस डील भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आज वो काम करना पसंद करेंगे जिन्हें करने में आपको के दिल को खुशी मिलती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी एवं बाल बच्चों के प्रति जिम्मेदारी आपको बोझ लग सकती है, लेकिन यह आपके लिए क्षण भर का ख्याल मात्र होगा, जीवन साथी से किसी बात को लेकर झगड़ा अथवा कहा सुनी भी हो सकती है। आज के दिन आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए और समय रहते अपने काम को भी पूरा करना चाहिए, यानी कि काम के बीच में आराम करना भी आवश्यक होगा। छात्रों को आज उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा, पढ़ाई में मन लगाए रखने के लिए आज आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस राशि की गृहिणियां, आज आपके लिए दिन थोड़ा उबाऊ है, कोई क्रिएटिविटी करके आप क्रिएटिव काम करके अपने दिन को रोचक बना सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि आज के दिन को और बेहतरीन बनाना है, वैसे तो दिन ओवरऑल आपके लिए ठीक है, लेकिन इसे और भी अच्छा बनाना चाहते हैं आप अपने लिए, तो आपको जो है श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आज आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हो सकते हैं, लिहाजा
कोशिश करें ठंड से बच के रहने की, अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की। वैसे भी ठंड जो है ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप कोशिश करें खुद भी अपने आसपास अगर आपको कोई कुत्ते वगैरह दिखते हैं, कोई जानवर दिखता है, तो अगर आपके पास कोई खाली ख़राब कपड़े हैं तो आप ज़रूर उनको दे दें या उनकी मदद करें किसी तरीके से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा, किसी भी चीज़ की खरीदारी आज हो सकती है, घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ें भी हो सकती हैं। आज का दिन पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है, घर के छोटे सदस्यों जो है आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आप सिंगल है तो किसी से प्यार करते हैं तो आज का दिन उस प्यार के इजहार के लिए सबसे उत्तम है। दूसरी तरफ जिन लोगों के जीवन में ऑलरेडी प्यार है उन्हें आज अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, लेकिन आज आपको कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आज ऐसा कार्य करना पड़ सकता है जिससे आपको उसे कहने में कठिनाई का अनुभव होगा। व्यापार से जुड़े लोग जो हैं, आज दिन आपके लिए कम अनुकूल रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ होने के योग हैं। साझेदारी व्यापार को लंबे समय तक चला पाना मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन आप मुश्किल कामों को करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए आज का दिन आपके लिए बेहतर है। यात्रा आपके योग में है आज। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आज आपको जीवन साथी की बातों पर अमल करने की जरूरत है। आज के दिन अपने अहम को दूर रखें और अपने साथी को ध्यान से सुने। अगर आपका जीवन साथी आपसे कोई बात जानने की कोशिश करता है तो साफ साफ बता दें। अगर आप ज्यादा लाग लपेट करते हैं तो साथी खिन हो सकता है। छात्रों की बात की जाए यानी कि स्टूडेंट्स की, तो आज दिन आपके लिए सामान्य है, यानी कि जितना आप पढ़ाई करेंगे आपको उसी अकॉर्डिंग फल मिलेगा। लक उतना आपका फेवर नहीं करेगा। हो सकता है आज आपको किसी तीसरे शख्स से ज्ञान भरी बातें जानने को मिले, कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिले। एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो एक एक करके महत्वपूर्ण कदम को ज़रूर उठाएं। हर तरीके से अधीर ना हो आप, मतलब आपके लिए अधीर होना सही नहीं है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अगर सफलता चाहते हैं तो सही टाइम टेबल बनाएं, बिना अधीरता के सही तरीके से पढ़ाई करें। मैरिड महिलाएं जो हैं, गृहिणियां जो हैं, आज आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ सकता है। शारीरिक थकान आज आपको देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में उलझा हुआ आप अपने आप को पा सकती हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए विकलांग लोगों की सेवा करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आज आप सर्दी जुकाम से या बुखार से पीड़ित हो सकते हैं, लिहाजा आज ठंड से बचकर रहें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सेहत को लेकर बढ़ती गई असावधानी आपको कुछ समय के लिए नाकारा बना सकती है। आज लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतें। पैसा आपको जो आज देते हैं अगर किसी को वापस नहीं लौटेगा। वहीं आज प्रेम संबंधों की बात की जाए तो दिन आपके प्रियतम के लिए काफी अच्छा है। आप और दोनों समय बिताएंगे, हो सकता है कि वह आपसे नाराज हो जाए। कोशिश करें उन्हें प्यार से मनाने की, ना कि उनको नाराज ही तरीके से छोड़ के आप जो है अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन अच्छा है, लेकिन आज आप अपने कार्य से आराम ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको लाभ तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। व्यापार वृद्धि के योग बन रहे हैं। दिन की शुरुआत से ही आज आप सोचेंगे किसी सुनसान जगह पर जाकर या अकेले में टाइम बिताया जाए। आज आपको अपने जीवन साथी को खुश करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव है कि उनके द्वारा आपके परिवार के लोगों अथवा आपके दोस्तों के सामने गलत तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो जाएं। आपको चाहिए आप उनसे बातें करें और ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आज आप बेफिक्र होकर जिंदगी के सभी सुखों का आनंद उठा पाएंगे। इस राशि के छात्र आज अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपने गुरुजन या अपने सीनियर्स के पास जा सकते हैं। वो छात्र जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आज अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। जीवन साथी को आज आपके ऊपर किसी बात को लेकर गुस्सा आ सकता है, उनका यह गुस्सा झगड़े का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी मनोदशा को समझे उन्हें शांत करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक ठाक है। आज आप योग आदि करके अपनी मानसिक स्वास्थ्य को जो है सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलेगा, अज्ञात स्रोत से धन लाभ हो सकता है। फैमिली लाइफ में आज आप किसी काम को शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली वालों का सपोर्ट मिलेगा। प्रेम जीवन में आज प्रियतम से मुलाकात होगी, उनके साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। अगर प्रियतम नाराज है तो उन्हें मनाने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। कहीं लंच पर जाएं, डिनर पर जाएं, उनके उनके मूड को अच्छा करने के लिए उनकी मन पसंदीदा चीजें करें। कारोबारियों को आज के दिन मन मुताबिक फल मिलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में मिले जुले फल मिलने की आशा है। अपने काम में ध्यान लगाने के लिए अपनी वर्किंग टेबल के सामने गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
दोस्तों के साथ आज ज्यादातर समय किसी ऐसे काम में बीत सकता है जो आपके लिए बेफिजूल का साबित होगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम बीतेगा, मतभेद आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। कॉलेज जाने वाले छात्रों को जीवन में आज प्यार की अनुभूति होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। किसी विषय में दिक्कतों के चलते इस राशि वालों को आज परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप जिनको भी आप समझते हैं, या तो आपके दोस्त या गुरुजन जो आपसे क्लोज हैं, उनसे डिस्कस करें। गृहिणियां आज खाली समय का उपयोग करना चाहेंगी लेकिन कोई ना कोई बाधा उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। उपाय के तौर पर आज के दिन प्रातः काल किसी वृद्ध व्यक्ति की जो है आशीर्वाद लें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक ठाक है लेकिन इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दवाइयां समय पर लें और योग व्यायाम आदि करते रहें। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आज आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लोगों को दिए उधार आज आपको वापस मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि किसी योजना में निवेश का लाभ आपको जो है मिल सकता है। निश्चित तौर पर धन अर्जित करने के लिए आज आप किसी नई परियोजना में भी निवेश कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर आज आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। आज परिवार में किसी प्रकार का शुभ कार्य हो सकता है। परिजनों के सहयोग से आज घर में खुशी का वातावरण रहेगा। रिश्तेदारों से भी आज मुलाकात हो सकती है। आज का दिन प्रेमी जातकों के लिए अच्छा है। आज आप अपने प्रेमी से नजदीकी महसूस कर सकते हैं और आपका प्रेमी आज आपकी किसी आदत की तारीफ कर सकता है। वहीं जो लोग अब तक सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आने वाले वक्त में उनका प्रेमी होगा। आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र बनेंगे, उनके आपके जो है काम की सराहना भी होगी। युवाओं का दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान आज धरा रह सकता है। वैवाहित जातकों के लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत दिनों में से एक रहेगा। अगर आप के रिश्ते में फीकापन आ गया है तो जीवन साथी के साथ बातचीत करके उसे दूर करने की कोशिश करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो है बातचीत से जमी हुई धूल छटेगी। जो दिखता है वही बिकता है। आज ये कहावत आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। अक्सर आप अपना कार्य बेहद ईमानदारी से तो करते हैं लेकिन उसका श्रेय कोई और लेकर चला जाता है जिससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। छात्रों को आज अपने रुचिकर विषय को पढ़ने में आनंद आ सकता है लेकिन उस विषय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें आप खुद को कमजोर मानते हैं। वहीं जो जातक किसी सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें करंट अफेयर के साथ साथ रीजनिंग और गणित विषय पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है। गृहिणियां यानी हाउसवाइफ आज का दिन बहुत अच्छे मूड में रहेंगी और अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिशें करेंगी। उपाय के तौर पर आज के दिन को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सुबह जल्दी उठकर घूमने की कोशिश करें और ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आने वाला समय आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खर्चों में आज इजाफा हो सकता है, आर्थिक नुकसान होगा। परिवार में खुशियां लाने की कोशिश करें। आप किसी पारिवारिक समस्या का अगर सामना कर रहे हैं तो ठंडे दिमाग से उस समस्या का समाधान निकालें। घर के मसलों को महत्व दें और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करें। अगर आप प्रेम में हैं तो आज आपका प्रेमी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आप ये भी महसूस करेंगे कि वो आपकी बातों को समझने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। अपने जज्बातों को जरा कंट्रोल में रखें तभी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए और इससे सामने वाले का जो है दिल मन आहत हो जाता है, तो इसीलिए आज आपको बोलने से पहले जो है दो बार अवश्य सोचना चाहिए। अब बात करेंगे इस राशि के कारोबारियों के बारे में यानी बिजनेसमैन के बारे में। तो आज आपको धन की आवाजाही पर पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि आज चंद्रमा की स्थिति ऐसा बता रही है कि हो सकता है आपको धन हानि हो जाए। जो लोग नया कारोबार खोलने की सोच रहे हैं उन्हें मेरी सलाह है कि हो सके तो आज यह काम ना करें, और अगर करना बहुत ही जरूरी है तो अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने करीब रखें और हमारे द्वारा बताए गए अभिजीत मुहूर्त को भी जरूर ध्यान में रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। अपनी योग्यता का सही तरीके से इस्तेमाल कर आप लक्ष्य की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। आज के दिन बेफिक्र होकर चीजें करें लेकिन किसी तीसरे के काम में जो है दखल अंदाजी ना करें। वैवाहिक जीवन की बात की जाए यानी मैरिड लाइफ की, तो आज सबसे अच्छे दिनों में से एक रहेगा। भविष्य की चिंता से आपको कोई लाभ नहीं होगा बल्कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए इस बारे में चिंतन करने की जरूरत होगी। इसीलिए बेवजह की टेंशन लेना छोड़ दें और कोई रचनात्मक योजना बनाएं ताकि आप खुद भी खुश रहें और आपके जीवन साथी को भी आप खुश रखें।
अब बात की जाए अगर छात्रों की, तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आज का दिन छात्रों के लिए कारगर साबित हो सकता है, लेकिन आज आप किसी विषय को लेकर आक्रामक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं। इस दौरान अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और अपने तथ्यों को, अपने फैक्ट्स को सहजता से कहने की कोशिश करें। जिन गृहिणियों का जीवन साथी उनसे दूर रहता है, उन्हें आज अपने जीवन साथी की याद सता सकती है। आप अपने साथी से आज घंटों बातें भी कर सकती हैं। उपाय सुनिए। उपाय के तौर पर आज के दिन को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी तरीके का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का दिल नहीं दुखाना है। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है यानी लकी कलर है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। सेहत में अच्छे बदलाव करने की का जो है विचार आज आपके मन में आएगा, लेकिन यह विचार बमुश्किल ही हकीकत में हो पाएगा, यानी कि आज आप सिर्फ अपने हेल्थ को अच्छा करने की सोचेंगे। आर्थिक तौर पर देखें तो आज का दिन शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छा है। अगर लंबे टाइम से आप सोच रहे थे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए तो दिन बहुत उत्तम है, आज आप कर सकते हैं। किसी मित्र को दिया उधार आज आपको वापस मिल सकता है। जहां एक तरफ आपको धन लाभ होगा, वहीं आज आपको खर्चों में भी आपके इजाफा हो सकता है। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत रहना चाहते हैं तो। परिवार में आज कोई तीसरा आपकी दखल अंदाजी करेगा और आज हो सकता है आपके सारे समीकरण खराब हो जाए। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आज आपका प्यार परवान चढ़ेगा, साथ ही नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। बात की जाए कार्य क्षेत्र की तो आज जो है खुद को अपडेट रखने की कोशिश करें, यानी कि जब आप खुद को अपडेट रखते हैं तो आप जब समाज में उठते बैठते हैं तो आपको पता होता है कि किससे क्या बातें करनी चाहिए, किससे क्या बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज खुद के दिन कार्यक्षेत्र वाले लोग, व्यापारी अपने आप को अपडेट रखें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, हो सकता है आप दोनों को एक अलग ही जो है प्यार की अनुभूति हो। दोनों का दिन जो है शुभ बनेगा। धन और ज्ञान ही नहीं बल्कि शांति भी आज आपके जीवन में रहेगी। छात्रों की बात की जाए तो किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो आपको आपके जो है एम है, जो आपका गोल है, उससे साफ तौर पे अलग बातें करेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें बताएगा जो जिससे आप अभी तक आप जो है अभिन्न अनभिज्ञ थे, यानी आपको अभी तक पता नहीं था वो। बात की जाए गृहिणियों की तो आज दिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं बीतेगा। हो सकता है आपकी किसी गलत बात की वजह से घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाए। उपाय के तौर पर सुनिए ध्यान से क्या करना चाहिए आपको। उपाय के तौर पर आज के दिन को अच्छा बनाना है तो जूतों के तलों में जो है तांबे की 7 किले लगवा ले, या जो भी आप फुटवेयर पहनते उसमें 7 तांबे की किले लगवा ले। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है, लिहाजा आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। खासकर ऐसी चीजों का सेवन ना करें जिससे उसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता हो। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं पहले से ही तो खासतौर पर आज सावधानी रखें। हद से ज्यादा और बेवजह का खर्चा करना आज आपको परेशानियों में डालेगा, इसीलिए इनसे बचें। किसी तरह की चिट फंड कंपनी या लालच या चालाकी भरी स्कीमों से बचकर रहें। अपना धन किसी को भी ना दें, नहीं तो उसके वापस आने की संभावना थोड़ी कम ही है। बात की जाए अगर पारिवारिक जीवन की तो दिन बेहतरीन है, सब लोगों से प्यार से बातें करेंगे। वहीं प्रेम जीवन में आज चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। हो सकता है कि आप दोनों की जो है कोई एक चीज आप दोनों की टकरा जाए, हो सकता है वो सोच हो सकती है, हो सकता है आप दोनों का समय हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी और अलगाव आ सकता है। अब बात की जाए कारोबारियों की तो आज हितकारी ग्रह आपको बहुत सारे ऐसे मौके देंगे जिससे आपको मुनाफा हो सकता है। आज आपको उन निवेशों से फायदा हो सकता है जो आपने बीते हुए कल में किए थे। मेरी सलाह है कि महीने में एक बार जरूरतमंद लोगों की आवश्यक जो है सहायता जरूर करें। नौकरी पेशा लोग जो है आज घर पर अच्छा समय बिताएंगे, यानी हो सकता है बहुत सारे लोग इस राशि की आज छुट्टी लेकर घर पर ही समय बिताएं, या किसी कारणवश आज वो ऑफिस न जा पाए, और जो लोग ऑफिस गए हुए हैं उनके लिए दिन बेहतरीन बीतेगा। इस राशि के जो वैवाहिक लोग हैं या वैवाहिक जीवन में जो प्रवेश कर चुके हैं, आज उन्हें जीवन साथी के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन आप किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप एक साथ दो नावों में जो है सवार होते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, इसीलिए मेरी माने तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब बात है छात्रों की यानी स्टूडेंट्स की। आज भावनात्मक स्तर पर आपको बहुत सारी परेशानी होगी, इसीलिए आपको सलाह देना चाहूंगी कि भावनाओं पर काबू रखें। यानी कि अगर कोई डांटता है तो मन में गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन उस गुस्से पर जो है गलत तरीके से रिएक्ट करना ये गलत होगा। क्योंकि कोई भी अगर आपको घर में, आप छात्र हैं, बच्चे हैं, और कोई भी अगर घर का सदस्य आपको टोकता है, रोकता है, डांटता है तो आपकी भलाई के लिए ही करता है। इस राशि की गृहिणियों को आज महसूस होगा कि उनका जीवन साथी आज से ज्यादा बेहतरीन पहले कभी नहीं था। उपाय सुनिए। आज घर में अपने इष्ट देव की पूजा करनी है आपको। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि की।
आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। अपनी सेहत की चिंता आज आपको कुछ ज्यादा ही होगी। आर्थिक मोर्चे पर बात की जाए तो सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं से धन आएगा, बचत करने की कोशिश करें, ये आपके लिए एक सलाह है। अब फैमिली लाइफ की बात की जाए तो कोई शुभ कार्य होने वाला है घर में, खुशी का वातावरण तो रहेगा ही, साथ ही कोई जो है आपके घर में कोई जो है अच्छा मांगलिक कार्य हो सकता है, हो सकता है परिजनों के साथ आप कहीं बाहर जाएं। सब लोग आज खुशियों से जो है भरपूर रहेंगे, खुशियां रहेंगी घर में। प्रेम जीवन की बात की जाए तो कुछ नया हो सकता है, प्रियतम आपको आज कुछ नया बता सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं आज नौकरी मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में जो बढ़ोतरी करेगा। वहीं अगर बिजनेसमैन है तो दिन अच्छे संकेत दे रहा है, व्यापार में ज्यादा लाभ की अपेक्षा ना करें बल्कि नैतिकता बनाए रखें। अगर नैतिकता रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं तो आपका जो बिजनेस है आज नहीं तो कल बहुत अच्छा चलेगा। दिन के बाद के समय थोड़ी सुस्ती जरूर महसूस होगी, सुस्ती को दूर करना चाहते हैं तो वो काम करें जो आपको पसंद है। दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, किसी तरह की कोई मतभेद नहीं देखी जाएगी। अब बात कर ली जाए अगर छात्रों की तो सेहत नासाज हो सकती है, इसीलिए कोशिश करें अपनी सेहत को थोड़ा ध्यान में रखने की। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सेहत का भी जो है सही होना बेहद जरूरी है। अगर अच्छी सेहत नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे करेंगी, तो उस बात पर जरूर सोचें। बात की जाए गृहिणियों की तो आज हो सकता है किसी घर के किसी सदस्य की बात आपको चुभ सकती है, बुरी लग सकती है, इसकी वजह से आप थोड़ी उदास हो जाएंगी। जब भी कभी किसी की बात बुरी लगती है तो आप मन में रखने के बजाय उस सदस्य से जाएं और प्यार से उस बातों को डिस्कस कर ले, मन की सारी दुविधा दूर हो जाएगी। उपाय के तौर पर आज किसी साधु और संत को कुछ पैसे दान में दे दें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि की। इस राशि के जो लोग 50 की उम्र पार कर चुके हैं यानी जो उम्र दराज हैं, आज अपनी जो है लाइफ को ठीक से चले, संतुलित भोजन करें, बीमारी से जूझ रहे तो दवाइयां समय पर लें। आर्थिक समस्याओं का सामना आज इस राशि के जातकों को करना पड़ सकता है, इसीलिए कोशिश करें कि यही सिचुएशन बाद में ना आए, सेविंग्स करना शुरू करें। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के लिए बहुत अच्छा दिन है, घर वालों से बात करेंगे, सामंजस्य की स्थिति बनेगी। प्रेम में पड़े जातकों का रुमानी संबंध आज थोड़ी परेशानी में जाता नजर आ रहा है। अपने रिश्तों में ताजगी बरकरार रखने के लिए आप प्रियतम संग कहीं यात्रा पर समय बिताने जा सकते हैं। अब बात करते हैं कामकाज की यानी नौकरी पेशा वर्ग की। आज ऑफिस में आपके सहकर्मी आपको काम की दिशा में प्रोत्साहित करेंगे और आपकी सराहना करेंगे। काम को लेकर यदि आज आप थोड़े सजग रहते हैं तो बॉस आपकी प्रशंसा जो है बॉस की प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग जो है आज उन्हें किसी विदेशी स्रोत से लाभ मिल सकता है। यदि आप बिजनेस के विस्तार से जुड़ा कोई कदम उठाते हैं तो आज आपको कोई लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में सिर्फ जो है आप वासना को ही महत्वपूर्ण ना समझे बल्कि प्रेम को भी इस रिश्ते में अहमियत दें, इस बात पर जरा सोचने की जरूरत है अगर रिश्ते को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो। छात्रों की बात की जाए आज इस राशि के छात्र जो है पांचों उंगलियां घी में होंगी, दिन बहुत अच्छा बीतेगा आपके लिए, हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, आपको लोगों की तारीफ मिलेगी। वहीं गृहिणियां जो है आज हो सकता है कि मायके से किसी सदस्य से आपकी बहस हो जाए, ये बहस आपकी फोन पे होगी या आप आमने सामने होंगी लेकिन बहस हो सकती है, मन दुखी हो सकता है इस वजह से। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आपको इस दिन को बेहतरीन बनाना है तो आपको सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान कर देना है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मीन राशि की सबसे आखिर में। मीन वालों के अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सोच जो है आपके उसमें सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज आपका कोई दोस्त आपको योग के फायदों के बारे में समझा सकता है, योग के को जीवन में लाने के लिए फायदे जो है आपको बहुत फायदा मिलेगा। आर्थिक तौर पर आप खुद को सक्षम पाएंगे क्योंकि आज आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। आज के दिन आप घर वालों से जो है उनके पूरे हफ्ते का हाल जान सकते हैं और साथ में बैठकर कोई खेल खेल सकते हैं। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें ना करें, रिश्ते को नजर लगते देर नहीं लगती, बेहतर होगा अपने प्रेम प्रसंग को अभी सबके सामने उजागर ना करें। आज आपको जो है कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि दिन का दूसरा चरण आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है लेकिन फिर भी नुकसान की भरपाई मुश्किल है। आज आप यह जानेंगे कि जिस पर हद से ज्यादा भरोसा करते थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे, वही व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। वैवाहिक जीवन में अपनी वैवाहिक जो मैरिड लाइफ है उसमें आप बहुत अच्छा फील करेंगे, शादी के शुरुआती दिनों की बातें याद करेंगे और आप दोनों डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा दिन बीतेगा, खुशनुमा दिन रहेगा। करियर में जो छात्र अच्छा करना चाहते हैं, भविष्य के प्रति आशावादी रहें, जैसा भविष्य चाहते हैं उसके लिए अभी से वैसे ही उसी प्रकार से मेहनत करें। ख्याली पुलाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, मेहनत करना ही एक लास्ट विकल्प रहेगा आपके लिए। शादीशुदा महिलाएं आज आवश्यकता से अधिक उनको कार्य करना पड़ सकता है, इससे आपको शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को आज के दिन के लिए हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप चाहते कि दिन और बेहतरीन हो तो किसी तरह का झूठ आज किसी से भी ना बोले, एक छोटा सा झूठ भी ना बोले। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, भाग्यस्थान के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में जाना कैसा रहेगा 18 दिसंबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए। इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपकी चंद्र राशि पर आधारित थी और अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार। एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत।